हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। और आज मैं आ चुकी हूँ वापस से एक न्यू ब्लॉग के साथ। और आज मैं जा रही हूँ अगरतला में द सोशल क्लब में। एक्चुअली ओपन हुए तो बहुत टाइम हो चुका है, बट अभी तक मुझे यू नो जाने का वहाँ पे मौका नहीं मिला। तो आज मौका मिला है, मैं मेरी बहन के साथ जा रही हूँ। और ऑब्वियसली जाके वहाँ का खाना, सर्विस, एम्बियंस कैसा है, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी और खुद भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करूँगी। और एक्चुअली यहाँ पे निकलते हुए ना आज मुझे बहुत सारा क्रिसमस वाइब आ रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज कल क्रिसमस है। एक्चुअली जब आप वीडियो देखोगे तो क्रिसमस के दिन ही देखोगे, होपफुली अगर मैं पोस्ट कर दूंगी तो। और आज 24 दिसंबर है और कल क्रिसमस है, तो ऑब्वियसली वो वाइब तो पूरा आ ही चुका है। और ये मुझे अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट कैप्स भी दिख चुके हैं, क्रिसमस के जो टोपी बुक मेरे घर में है एक्चुअली। बट इस बार मुझे लगता नहीं क्रिसमस उतना सेलिब्रेशन मेरे घर में होगा, क्योंकि मेरे एग्जाम के कुछ प्रिपरेशन चल रहे हैं तो उतना तो सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगी। बट ऑब्वियसली केक तो खाया ही जाएगा, बिकॉज केक नहीं खाया तो क्रिसमस क्या मनाया। और अभी मैं आ चुकी हूँ द सोशल क्लब में। ये एक्चुअली जो वेलकम पैलेस होटल है वहाँ के बिल्कुल पास ही है। और हॉकर्स कॉर्नर तो आप सबको पता ही होगा, तो हॉकर्स कॉर्नर के बाद आता है शौस्ती बाजार और उसके बाद ही आता है वेलकम पैलेस होटल, जिसके ग्राउंड फ्लोर में है द सोशल क्लब। आई होप अब आपको लोकेशन ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। तो चलो चलते हैं अंदर। और अगर मैं बात करूँ यहाँ की एम्बियंस की, तो एम्बियंस मुझे ठीक ठाक लगा। मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा वाव था, और मैं ये भी नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा ख़राब था, ठीक ठाक था। और एक्चुअली आज बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि एक भी टेबल खाली था। और वहाँ पे इतना ज़्यादा लाउड म्यूज़िक था ना कि मैं कुछ बात नहीं कर पाई वीडियो में। आज तो मुझे वॉइस ओवर से ही काम निपटाना पड़ेगा। और ये रहा इनका जो मेन मेन्यू है वो वाला, और मैंने मेनू का वीडियो थोड़ा बहुत बना लिया था ताकि आपको थोड़ा बहुत मेरी वीडियो में प्राइस का जो अंदाज़ा है वो मिल जाए यहाँ पे क्या प्राइस है। और मैंने और मेरी बहन ने स्टार्टर में दो चीज़ें मंगवाए थे, एक था फिश फ्राई और दूसरा था चिकन 65। और क्या प्राइस हमें पड़ा वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखा दूँगी। और ये हमारा फर्स्ट स्टार्टर आ चुका है जो कि है चिकन 65। और एक्चुअली इसमें 6 पीस दिया गया है, देखने में तो भाई काफ़ी लजीज लग रहा है। मैं अभी फटाफट से सर्व कर रही हूँ अपने आप को और अपनी दीदी को, फिर जल्दी से टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा है। एक्चुअली स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ा, लाइक आप देख सकते हो थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ा इसको तोड़ के खाने के लिए। मुझे लगा था भाई साहब ये तो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होने वाला, बट जब मैंने लाइक धीरे धीरे खाना शुरू किया और मेरे मुंह में ये पीस गया, तब मुझे पता चला कि नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था और टेस्ट वाइज भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और स्पाइसी उतना नहीं था, क्योंकि जनरली चिकन 65 स्पाइसी तो होता है, बट क्योंकि जब हमने ऑर्डर किया था हमने बोला था कि हमें ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए, थोड़ा मीडियम चाहिए, तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग टू हमें बना के दिया था। एंड देन हमारा सेकेंड डिश भी आ चुका है जो कि है फिश फ्राई। और एक्चुअली मैं थोड़ा सा डरी डरी थी, बिकॉज लास्ट टाइम मेरा फिश फ्राई के साथ उतना अच्छा नहीं रहा एक्सपीरियंस, बट लेट्स ट्राई कि यहाँ पे कैसा होता है। और ये जो डिप दिया गया था वो मुझे बहुत टेस्टी लगा, और एक्चुअली अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा अच्छा था फिश फ्राई, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी था और एट द सेम टाइम अंदर से सॉफ्ट भी था, बिल्कुल मुझे जैसे पसंद है वैसा ही था। और इसके बाद आ गया था हमारा मेन कोर्स, और मेन कोर्स में हमने लिया था लच्छा पराठा, गार्लिक नान और शेफ स्पेशल चिकन भरता। और पहले हमारा लच्छा पराठा आ गया था, तो हमने लच्छा पराठा से ट्राई किया और लच्छा पराठा बाकी में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। और ये चिकन भरता के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, इतना ज़्यादा टेस्टी और यामी था। अगर मुझे रेकमेंड करना हो ना जो मैंने ट्राई किया आज, मैं अगर दो डिश रेकमेंड करना हो तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी ये चिकन भरता और गार्लिक नान। लच्छा पराठा अच्छा था, बट मुझे लगता है ये चिकन भरता के साथ जो गार्लिक नान का कॉम्बिनेशन है ना वो बिल्कुल बेस्ट है, बिल्कुल ज़्यादा वाला मक्खन मार के दिया जाता है। और एक्चुअली खाने को लेके मेरा कोई कंप्लेन नहीं था, जो भी हमने आइटम्स ट्राई किए, क्योंकि हम दो जन गए थे तो ज़्यादा कुछ हम ट्राई नहीं कर पाए, बट जितना भी हमने ट्राई किया था वो हमें तो बेस्ट लगा। और अगर आप यहाँ पे आओगे तो मैं रेकमेंड करूँगी यहाँ का गार्लिक नान और शेफ स्पेशल चिकन भरता ज़रूर ट्राई करना। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, एम्बियंस भी ठीक ठाक था, बट खाना बहुत बढ़िया था। जो आपको मेरे प्लेट से तो अंदाज़ा लग चुका होगा कि खाना हमें कितना अच्छा लगा, पूरा प्लेट साफ़ कर दिया है। मेरी बहन का अभी भी चल रहा है, प्रोसेसिंग है, बट हम दोनों को ही बहुत अच्छा लगा खाना।
और सर्विस के बारे में अगर मैं बोलूँ तो आज भले हमें ऑर्डर बहुत ज़्यादा लेट सर्व हुआ, बट आज का मैं समझ सकती हूँ बिकॉज क्रिसमस के पहले दिन है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रश था, तो उस चीज़ को लेके मैं कंप्लेन नहीं करूँगी। और जहाँ तक का स्टाफ का बिहेवियर है वो भी काफ़ी अच्छा था, बार बार आके वो लोग पूछ रहे थे कि खाना कैसा लगा कैसा लगा, तो वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। और ये मैंने बिल भी इंक्लूड कर दिया है, हमने जो जो भी आइटम ऑर्डर किया था आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कौन सा मेरा कितना प्राइस पड़ा था। और हेलो हेलो, वीडियो अभी तक एंड नहीं हुआ, अभी हम जा रहे हैं स्वीट डिश खाने, हम केक खाने जा रहे हैं बिकॉज कल क्रिसमस है तो केक खाना तो बनता है। हम जा रहे हैं अपरूपा वेराइटीज़ में केक प्लाजा में केक खाने, और यहाँ पे ऑलरेडी क्रिसमस के वाइब्स तो मिल चुके हैं मुझे। एक्चुअली दूसरे ईयर में ज़्यादा डेकोरेशन बेहतर होता था, इस बार मुझे ठीक ठाक लगा। और अभी हम अंदर जाके केक खाएंगे, और सच बताओ तो जितने ज़्यादा एक्साइटमेंट से मैं अंदर गई थी उतने ही ज़्यादा हताश मन से मैं बाहर निकली, बिकॉज यहाँ का जो पेस्ट्री का क्वालिटी है वो बिल्कुल बदल चुका है, बिल्कुल बकवास हो चुका है, बिल्कुल भी फ्रेश ही नहीं था। मैंने खाया, खा के कंप्लेन भी किया और जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर मैं डिसअपॉइंटेड होके डस्टबिन में केक फेंक के आ गई थी। ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी, हमेशा ना अंत भला नहीं होता, मेरा अंत तो बिल्कुल भी आज भला नहीं था, बट ठीक है, लाइफ में कभी कभी हमेशा अच्छा तो हो नहीं सकता, लाइफ है, फिल्म तो है नहीं, पर एक चीज़ है जिससे मेरा अंत अच्छा हो सकता है। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा।